हरियाणा में पहले चरण का मतदान 30 अक्टूबर यानी कि कल होगा। आपको बता दें जिसके लिए पूरे प्रदेश में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां चुनावी सामग्री लेकर रवाना हो चुकी हैं और चुनाव में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यमुनानगर में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यमुनानगर में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी अंतिम तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और प्रथम चरण में दो फेज में यहाँ चुनाव होगा। और यमुनानगर के जिला विकास और पंचायत अधिकारी शंकर लाल ने बताया कि 23 अक्टूबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति का चुनाव होगा और 2 नवंबर को पंच और सरपंचों के चुनाव होंगे। जिला यमुनानगर जो हमारे पंचायत आम चुनाव हो रहे हैं, छोटे आम चुनाव हो रहे हैं, प्रथम चरण में है। इसमें दो चरणों में हमारा चुनाव होगा, 30 तारीख को पंचायत समिति और जिला परिषद का और 2 तारीख को सरपंच और पंच पद का चुनाव होना है। जिला परिषद में हमारे 18 वार्ड है, 18 के 18 वार्ड में हमारे चुनाव है। पंचायत समिति में हमारे 7 पंचायत समिति में 142 पद बनते हैं, 142 में से 3 यानी कि पंचायत समिति सदस्य सर्वसम्मति से चुने गए हैं, 139 में वहां पर चुनाव हो रहा है। जिला यमुनानगर में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में पोलिंग के लिए 669 हमने पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं और उन पर चुनाव होगा। अब तैयारियाँ हैं और हमने हर पोलो यानी कि जो हमारे बूथ हैं उसके लिए हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर भी लगा दिए गए हैं। आज 4 ब्लॉकों में आज रिहर्सल चल रही है पोलिंग पार्टी की, 3 में कल होगी। जैसा कि एसपी साहब की तरफ से हमें अवगत कराया गया है कि हर पोलिंग बूथ पे 2-2 कर्मचारी पुलिस के रहेंगे। जहाँ पर बूथ संवेदनशील है वहाँ 3-3 कर्मचारी रहेंगे, जहाँ पर बूथ अति संवेदनशील है वहाँ पर 4-4 कर्मचारी रहेंगे और हर ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ भी जो एसपी साहब की तरफ से वहाँ पर पुलिस के अधिकारी उनके साथ रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत आती है तो वो उसको संभाला जा सके। सेंसिटिव हमारे 100